फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। आज हम आपको अपने एक बहुत से प्यारे से सफ़र पे लेके जा रहे हैं जो हमने कुछ ही दिनों पहले कवर किया था, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर इंडिया। ये एक हर सिख का सपना होता है जो वो अपनी खुली आंखों से देखता है, और हमारा ये सपना पूरा हुआ अक्टूबर में। आइए हमारे साथ चलते हैं श्री करतारपुर साहिब। Enjoying her sleep, और बीवी मेरी मस्त इंजॉय कर रही है पंजाब का नेचर। हम लोग ढाबा खोज रहे हैं अपना नाश्ता करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ढाबा अभी तक आया नहीं है, तो लगता है गुरुद्वारे में लंगर सेकना पड़ेगा। आप जैसे ये देख सकते हो, एक चौक आ गया है, आपको यहाँ से राइट लेना है और हर जगह पे आपको साइन बोर्ड्स मिल जाएंगे। जैसे आप सामने भी देख सकते हो, एक साइन बोर्ड है जहाँ पे बटाला, गुरदासपुर और करतारपुर साहिब कॉरिडोर लिखा हुआ है, जो हमें सीधा जाना है। आप जब यहाँ से सीधा जाते जाओगे गुरदासपुर रोड की तरफ, तो आप थोड़ी सी जब आगे जाओगे तो आपको दो डायरेक्शंस दिखेंगे, एक है लेफ्ट और एक है स्ट्रेट। तो आप चलते जाइए और आप मेरे लेफ्ट में देख सकते हो, आप अगर ये रोड लोगे तो आप सीधा डेरा बाबा नानक पहुंच जाओगे। वो भी बहुत अच्छा गुरुद्वारा है, आप वहां पे भी जा सकते हो, बट फॉर द टाइम बिंग हमारा डेस्टिनेशन है श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर। आपको इस रोड में सीधा लगभग ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर जाना है, और ये है नेशनल हाईवे रोड 354, एंड आप दोनों तरफ देख सकते हो बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। एंड यू नो पंजाब बहुत ही ब्यूटीफुल है। और जब आप इस चौक पे पहुंचोगे तो यू नीड टू टेक लेफ्ट। जब आप लेफ्ट लोगे तो आपको वहां पे एक वेलकम साइन बोर्ड मिलेगा। ये साइन बोर्ड उन्होंने गुरु नानक देव जी के नाम पे रखा है। यहाँ से आपको सीधा ही जाना है, एंड आप देख सकते हो कि ये जो इनिशिएशन है वो पंजाब की इंडिया के गवर्नमेंट एज वेल एज जो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उन दोनों ने मिल के लिया है। आई मस्ट से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है दोनों कंट्रीज को एक साथ लाने का, एंड आई मस्ट से हर इंडियन को ये विजिट करना चाहिए। और ये लीजिए, बातें करते करते आ गया हमारा डेस्टिनेशन। और आप देख सकते हो आपके राइट में आर्मी खड़ी है, इंडियन आर्मी, जो हमारी सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है। आई विल टेल यू हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं। करतारपुर, और आपको हम दिखाते हैं।
चीज बहुत अच्छे से यू नो उन्होंने मैनेज की हुई है। ये गुरु नानक देव जी की एक प्रथा है जिसे हम लंगर या कम्युनिटी किचन भी कहते हैं, जो उन्होंने स्टार्ट किया था, और सिख धर्म में आज भी लोगों को फ्री लंगर खिलाया जाता है। और साथ ही में यहाँ पे किसान की यू नो इम्पोर्टेंस भी बताई गई है, क्योंकि गुरु नानक देव जी के खेत भी हैं पाकिस्तान में, जो हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये एंट्रेंस है कॉरिडोर का, और ये है हमारा फोक डांस गिद्दा। तो आप देख सकते हो हर एक छोटी छोटी चीज़ को उन्होंने बारीकी से कवर अप किया हुआ है, एंड ट्रस्ट मी बहुत ही सुंदर से मेंटेन की हुई जगह है। एंड इसके बाद अब हम अंदर जाएंगे जहाँ पे हमें कैमरा नॉट अलाउड है, और आगे आप बने रहिए हमारे साथ आगे देखने के लिए। और बहुत ही प्यारा से मेंटेन्ड है, पूरे एरिया को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, और आई थिंक पूरे क्रेडिट जाता है यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को। आप देख सकते हो आगे भी यू नो इंडियन सोल्जर्स खड़े हैं हमारी वेरिफिकेशन के लिए, एंड दे वोंट अलाउ यू टू टेक योर कैमरा। पोलियो ड्रॉप इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अकॉर्डिंगली पीपल इन पाकिस्तान स्टिल हैव पोलियो केसेस। और आप देखिए कितनी ब्यूटीफुली मेंटेन किया गया है हमारे इमिग्रेशन सेंटर को। अब यहाँ से हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे और हम लोग अपने टुक टुक की तरफ चलते फिरेंगे। और आप ऊपर देख सकते हो पूरे 10 गुरुओं के बारे में इन्होंने समझाया है। Harsho, what do you see? Pakistan and India border. So you are excited? Yes. Janu, Pakistan. So ये है हमारा India का border. और India में है. और कब हम लोग वो line cross करेंगे? तो हम एक साथ cross करेंगे right लगना. और इसे हम zero line कहते हैं. आप ये जो border line देख सकते हो. And then finally we landed in Pakistan. और वो बस हमारा वेट कर रही है, पाकिस्तान हमें लेके जाएगी। सीरियसली हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था इस समय।
कि हम वो गुरुद्वारा देखेंगे जो हमारे फर्स्ट गुरु ने बनाया है। बहुत ही प्यारे लोग हैं ये, और जब आप ट्रैवल करोगे तो आप रावी रिवर भी देख सकते हो। फिलहाल तो हम जा रहे हैं अपने इमिग्रेशन के लिए, फिर उनके उसके बाद मैं आपको बाकी की बातें बताती रहूंगी। वेलकम टू पाकिस्तान। ये देखिए क्या सेम है हमारे इंडिया जैसा, राइट? और जो आपको अपनी लेफ्ट साइड व्हाइट बिल्डिंग दिख रही है, दैट इज द इमिग्रेशन सेंटर। और अब हमारे यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स हम उनको वापस सबमिट करेंगे, एंड देन यू नो करेंसी एक्सचेंज, जो हमें अपना $20 भरनी है फीस, हर पर्सन की पर पर्सन की भरनी होती है, वो सब करते हैं और हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। देखिए कितने वेल मेंटेन है इन्होंने भी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी कितने अच्छे से मेंटेन करके रखा है, और यू नो सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल एंड इजी गोइंग प्रोसेस है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं, आप आराम से अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो। तो हम लोग ने करेंसी एक्सचेंज करा ली है और हमने अभी अपने फीस भी पे कर चुके हैं हम लोग $20 ईच, और अभी हम लोग इमिग्रेशन और फ़ोन का सिग्नल भी आ रहा है पाकिस्तान से, 5G आ रहा है अर्शु के फ़ोन में, और अभी हम लोग इमिग्रेशन ऑफिस जाएंगे पाकिस्तान के और वहाँ कंप्लीट करा के फिर वहाँ से हम गुरुद्वारा। हमने अपना पाकिस्तानी इमिग्रेशन भी कंप्लीट कर लिया है और बस हमारा वेट कर रही है। हाँ, और ये हमें यात्री वाला आईडी कार्ड मिला है तो ये हमें पहनना पड़ेगा। तो अब हम निकल चुके हैं अपने इमिग्रेशन सेंटर से और हम जा रहे हैं गुरुद्वारे की तरफ। सब तो पहला प्रौणियां नू पाकिस्तान करतारपुर से वेलकम करिएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट वगैरह जो चंगे तरीके संभाल रहे हैं, गुरुद्वारा साहब के अंदर किसी मुकाम से कोई चैकिंग वगैरह नहीं है। आप जी ने जो बायोमेट्रिक कार्ड चले चैन किया है इन्हों सामने शो करके रखना है, उतार के पाकेट च नहीं पाना। आप इतने 4 बजे तक स्टे कर सकते हो, 5 बजे बहुत जरूरी है। दर्शन करने के बाद पहले भी जाना चाहो सेम जिस जगह तुम एंटर हो उतो ही एग्जिट होकर बार आप जी ने सवारी मिल जाएगी। जो ही आप जी अंदर एंटर हो गए मेरे लैफ्ट साइड में सभी पाकिस्तान दौरा घर है जितने आप जी शूज जमा करवाओगे। शूज जमा करवाने तो बाद हैंड वाश करना चाहते हो बार वाटर कूलर के नाल वाश बेसन लगा जोड़ा घर तो अगला रूम लाकर रूम है गटरी घर है लाकर के सहूलत इस्तेमाल करना चाहते हो कोई समान वगैरह रखना चाहते हो रख सकते हो नाल भी लैके जाना चाहो नाल भी लैके जा सकते हो। अपने नाल कोई रसद या लंगर वगैरह का समान लैके आयो हाल के कोने काउंटर लगा था आप जो अपना समान वगैरह जमा करवा सकते हो। रसद वाले काउंटर की तरफ सज्जे पासे कोरीडोर बने हैं थोड़ा अगर चलोगे आप जी सरोवर साहब के साइन बोर्ड नजर आएंगे। मेन गुरुद्वारा साहब जी इतिहासक मार्ग है बिल्कुल सेंटर के जिसे आप जी गुरु साहब के
दरबार साहब के समाधि साहब के दर्शन होंगे। गुरुद्वारा साहब के कोल खड़े हो के आप जी सज्जे पासे वेखोगे आप जी एक इमारत नज़र आएगी जिसके फेस के उपर लिया करतारपुर करता वसे उस इमारत के बिल्कुल बैक साइड से लंगर हाल है जितों आप जी खाना खाओगे। खाना खाने के बाद मार्केट जाना चाहते हो लंगर हाल के नालों की रस्ता बने लंगर हाल के बिल्कुल बैक साइड से मार्केट है। जिहड़ी वाशरूम की सहूलत है गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल बैक साइड से बरामदा अपना बिल्डिंग है जिसके दोनों कोनों से सज्जे पासे तो खब्बे पासे वाशरूम बने एक्स्ट्रा जोड़े रखे ने आप सहूलत इस्तेमाल कर सकते हो। दर्शन करने के बाद अगर आप जी अपने शूज पाक मार्केट जाना चाहते हो तो मैसेज जगह से आके अपने शूज पा के जो बाहर वाला रस्ता है राइट साइड वाला सीधा मार्केट के अंदर जाता है। मार्केट के अंदर ही वाशरूम की सहूलत मौजूद है। बाहर निकलोगे लेफ्ट साइड से आप जी इस तरफ सैकंड साइड पर नज़र आएगा इस तरफ बाबा जी के बाग ने खेती साहब ने निशान साहब ने जोड़े पा के दर्शन करना चाहो कर सकते हो। गुरुद्वारा साहब के अंदर जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं जिसके उपर इंग्लिश में गुरुमुखी में लिखा जो आप जी की रहनमई करते रहेंगे। असं आस उम्मीद कर रहे जिन्ना भी थोड़ा इतना टाइम गुजरे अच्छा और यादगार गुजरे। पाकिस्तान करतार प्रणाम से जी एंड वेलकम। पाकिस्तान का पानी कितना वा मीठा। दिस इज आवर पाकिस्तानी करेंसीज। We got it. Pakistan currency is in Pakistan. We are in Pakistan. It's so good to see everyone in Pakistan. अंदर जा रहे हैं जहाँ पे हम दर्शन करेंगे वहाँ पे कैमरास वर नॉट अलाउड तो हम आपको दिखा नहीं सकेंगे। ये वो वेल है जहाँ गुरु नानक देव जी जो यूज़ करते थे अपने खेतों को पानी देने के लिए तो उन्होंने अच्छे से अभी तक मेंटेन करके रखी हुई है। बहुत ही सुंदर से मेंटेन्ड है। अब देख सकते हो लोगों की श्रद्धा उनमें कॉइन्स चढ़ाते हैं और उस वहाँ पे माथा टेकते हैं और हर चीज़ की प्रोविजन बहुत अच्छे से की हुई है। हर जगह आपको साइन बोर्ड्स मिल जाएंगे कि आपको किस तरफ जाना है। तो फाइनली हम चले थे लंगर छकते क्योंकि आप पाकिस्तान आए हो तो भैया खाना तो खा के जाएंगे और गुरुद्वारे गए हो और आप लंगर ना छको ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मस्त से किचन भी बहुत वेल मेंटेन है। आगे जाके हम आपको वो भी दिखाएंगे। ये देखिए कितनी ही ब्यूटीफुली वेल मेंटेन किचन है। एकदम नीट एंड क्लीन हाइजीन का पूरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा हुआ है इन्होंने और इसे तो मतलब देखते ही ऐसा लगता है कि बस देखते ही रहे। इतना सुंदर दर्शन हुए हैं
कभी भी आपको मौका मिले तो जरूर जरूर अपनी एक अपनी लाइफ टाइम में एक बार जरूर जाइएगा। अगर पाकिस्तानी पूछना चाहते हो पाकिस्तानी भी दसा, अगर पाकिस्तानी दसागा जेन गल बह नहीं लगी ये तो हाल ही हती जाओ बजाय okay. पाकिस्तानी मनी की वैल्यू लो तो समझो कि 100 रुपया होता पाकिस्तानी 250 बन जाए इदा करके वैल्यू लो ये कलर होर भी आ गया डिजाइन भी हो गया। खाने के लिए सब कुछ बहुत अच्छे से अवेलेबल है, बहुत अच्छे से उन्होंने मैनेज किया हुआ है। एकदम हाइजीन का तो आप मतलब क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, बहुत वेल मेंटेन है सब कुछ। और पाकिस्तान जाओ और कुछ एक्स्ट्रा खा पी के जाओ ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। तो हमने काफ़ी कुछ ट्राई किया है, आप देखोगे यहाँ पे गोलगप्पे तक भी थे और बहुत ही डिफरेंट से गोलगप्पे थे और समोसे शेक्स मिल्क शेक जो चाहते थे वो सब मिल रहा था। तो मैंने तो सिंपल एक बनाना शेक लिया, बहुत ही टेस्टी था। और आप देख सकते हो रूह अफजा की बॉटल्स वगैरह, आइसक्रीम्स, क्या नहीं था। आई मीन ये देखिए गोलगप्पे, वाओ पाकिस्तान के गोलगप्पे क्या बात है। इट्स लेमन माल्ट मेड बाय मोरी कंपनी जो हमारे इंडिया में लिम्का है, सो पी के ही पता चलेगा कि कैसा है। देखिए मतलब आपको तो हर तरफ सूट सूट सूट, मुझे तो इतना फैसिनेशन हो गया, मैंने तो कम से कम 3-4 सूट खरीद लिए थे। लेकिन एक बात बताना चाहती हूँ, प्लीज वापस आने समय कोई करेंसी अपने साथ ना लेके आना, ओके? सारी शॉपिंग कर लेना लेडीज, प्लीज गो फॉर इट, अच्छा मौका है। बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ है पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने इसको, आई थिंक बहुत बहुत सुंदर है। और अब हमारा टाइम पूरा हो रहा था और बिफोर सनसेट वी वर सपोज्ड टू रिटर्न बैक। चल मैंने भी कर लिया। सो गाइस हम लोग वापस आ गए हैं इंडिया।